ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने अपना कैनवस किस तरह क्रिएट किया है। अब हम देखते हैं कि हम इस पर वर्क किस तरह कर सकते हैं। तो वर्क करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगी टूल्स की तरफ, टूल बार में। ये मेरी टूल बार है। अच्छा, टूल बार में मैं यहाँ पे मार्की टूल जो है उस पर अपना काम स्टार्ट करूँगी। लेकिन बिफोर दिस कुछ ज़रूरी बातें हैं वो बता दूँ। जैसे इसके टूल बार जो है वो मूवेबल है। आप ये देखें, मैंने यहाँ से पकड़ा और इसको मैंने जस्ट यहाँ पे लाकर ड्रॉप डाउन कर दिया। इसके अलावा अगर मैं ये कलर स्वेचेज और ग्रेडियंट्स वाले पैनल में आऊँ तो यहाँ पर भी मैं इसको मूव कर रही हूँ। इसके लिए यहाँ से पकड़ के मैं इसको अगर इधर ले आऊँ तो ये भी, और आप देख रहे हैं कि ये किस कदर जो है वो चीज़ें बिखर चुकी हैं, ठीक है। और फिर आप अगर दोबारा भी एडजस्ट करना चाहो तो क्या आप एक कर तो सकते हो, जैसे कि लाइक ये मैंने टूल बार पकड़ के इधर लेकर आ रही हूँ और फिर वो मुझे ब्लू लाइन शो कर रहा है, इट मीन्स कि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और मैंने उसको किया, वो ऐसे ही तो लग गई। बट कि कभी कभार इससे भी ज़्यादा आपके पैनल्स बहुत बिखर जाते हैं, एडजस्टमेंट अलग, लाइब्रेरी अलग हो जाती है आपकी, आपके स्वेचेज अलग हो जाते हैं, पाथ तो बहुत ज़्यादा एक मेस क्रिएट हो जाता है। तो उस मैं इसको शॉर्ट टाइम में, जब हम न्यू काम कर रहे होते हैं, जब हम फर्स्ट टाइम अपने फोटोशॉप के ऊपर काम कर रहे थे, तो अक्सर ऐसा होता है हम कोई चीज़ सेलेक्ट कर रहे होते तो साथ में आपका पूरा पैनल ही सिलेक्ट हो जाता है और वो इधर से उधर आ जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे आना है विंडो में, विंडो में वर्क स्पेस में आप आएंगे, अरेंज के नीचे वर्क स्पेस है, और वर्क स्पेस में आने के बाद आपने यहाँ पर आना है रीसेट इसेंशियल्स में, ठीक है। और जस्ट आपने इसको क्लिक कर देना है और आप देखेंगे आप ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा और आपकी तमाम चीज़ें उसी तरह वापस अपनी जगह पर आ गई हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टूल बार। अच्छा, टूल बार आपके पास इस तरह आए तो परेशान नहीं होना, बिकॉज़ वही टूल बार के सेम वही टूल्स हैं जो कि ज़रा वो पहले बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल आ गए हैं, और ये देखें अब इस तरह हमारे बिल्कुल जो टूल बार वही टूल्स जो नीचे तक आ रहे थे वो अब हमारे आमने सामने इस तरह आ रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगल में आ गए। ओके, सो अब हम काम शुरू करते हैं मार्की टूल से। तो मैं जस्ट यहाँ पर एक मार्की जो है उसको ड्रैग करूँगी, जस्ट दो दफ़ा क्लिक करके मैंने उसको जस्ट यूँ ड्रैग किया, और आप देख रहे हैं आपके सामने ये एक सिलेक्शन जो है वो बन चुकी है। सॉरी, मैं दोबारा क्रिएट करती हूँ। ये मेरे सामने एक सिलेक्शन जो है वो बन चुकी है, एक डॉटेड सिलेक्शन है जो कि मूव हो रही है, वो इसलिए कि ताकि आपको पता चले कि सिर्फ कैनवस में ये वाला हिस्सा फ़िलहाल सिलेक्टेड है। याद रहे, जब लोग मार्की टूल यूज़ कर रहे थे तो वो समझते हैं इट्स अ शेप टूल, लेकिन ये शेप टूल नहीं है, ये मार्की टूल है। मार्की टूल और शेप टूल में बहुत डिफरेंस है। हमारे पास मार्की टूल ये है और शेप टूल हमारे पास ये है, ठीक है। फिलहाल मार्की टूल ये सिलेक्शन जो है काम करते थे, प्रोसेस आफ्टर प्रोसेस इसकी सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये आपकी जो आपको सिर्फ एक लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स जो आपको सिर्फ दिखाने के लिए यूज़ होती हैं कि ये फ़िलहाल आपका पार्ट सिलेक्टेड है। ओके, सो अब मैंने आपके सामने एक मार्की टूल ड्रा किया है, लेकिन आप देखें जब मैं एक और मार्की टूल उसी कैनवस पे ड्रा करूँगी तो क्या होगा, पिछले वाला रिमूव हो गया। अब ये है, अब मैं दोबारा एक और रिमूव एक और ड्रा कर रही हूँ तो सेम जो मेरा प्रीवियस था वो चला गया, ठीक है। ऑन द स्पॉट अगर आप एक कैनवस के ऊपर दो या दो से ज़्यादा मार्कीज क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो आपके जितने भी यहाँ पे टूल्स होते हैं उनके फर्दर ऑप्शंस आपके पास ये सेकंड बार में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो सेकंड बार में मेरे पास ये मार्की के ही ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मार्की में अगर मैं सेकेंड ये जो मेरे पास सेलेक्टेड मार्की का ऑप्शन था सिलेक्शन के लिए, इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट सेलेक्ट ये था पहले और अब मैं इस पर आ रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि वो कह रहा है कि ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन है। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और अब मैं एक और मार्की ड्रॉ करूँ तो आप देखें मेरे पास एक कैनवस के ऊपर नंबर ऑफ जो है मार्कीज वो क्रिएट हो रही हैं और पिछली वाली भी रिमूव नहीं हो रही। मैं जितने मर्जी चाहूँ मार्कीज क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक मार्की दूसरी मार्की के भी क्रिएट करते हैं तो बिल्कुल वो उसका पार्ट बन जाता है किसी भी वो लाइन के बगैर, पता चलता है ऐसे लगता है जैसे ये इसी का ही पार्ट है। तो इस तरह भी करके आप डिज़ाइंस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम सिर्फ इसको यूज़ करना सीख रहे हैं, कलर्स की तरफ बाद में आएंगे। और इसके अलावा हमारे पास एक मार्की टूल का थर्ड ऑप्शन है जिसमें वो कह रहा है सब्सट्रैक्शन फ्रॉम सिलेक्शन। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ सब्सट्रैक्शन को, तो आप देखें कि जो मेरा ये सब कुछ जो मैंने फ़िलहाल यहाँ पर मार्कीज कुछ क्रिएट की हैं, अगर मैं मार्की उसके ऊपर क्रिएट करती हूँ तो वो हिस्सा वहाँ से गायब हो जाता है मार्की का, क्योंकि ये है सब्सट्रैक्शन। और सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है उस चीज़ को वहाँ से माइनस कर देना या फिर सब्सट्रैक्ट कर देना, तो वो चीज़ वहाँ से जो है वो फ़िलहाल रिमूव हो जाती है। तो इट्स काइंड ऑफ सब्सट्रैक्शन
ठीक है, तो ये कुछ मेन ऑप्शंस थे सब्स्ट्रक्शन, एडिशन और सिंगल मार्किंग के. ठीक है, इसके अलावा अगर मैं अब चाहे लेट्स सपोज मैं इसमें कलर करना चाह रही हूँ, तो कलर करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक टूल होता है जिसको मैं कहती हूँ ग्रेडियंट टूल या पेंट बकेट टूल. तो फिलहाल मैं पेंट बकेट टूल की तरफ आऊँगी. पेंट बकेट टूल मैंने लिया है, और इसके अलावा अब मैं अपनी मर्ज़ी का कोई कलर भी सिलेक्ट करूँगी. तो यहाँ पर हमारे पास दो कलर आ रहे थे, एक फोरग्राउंड कलर होता है और दूसरा हमारे पास बैकग्राउंड कलर होता है. तो फोरग्राउंड कलर में मैं फ़िलहाल यहाँ पर क्लिक किया और मेरे पास एक पूरा पिकर, कलर पिकर खुल गया. यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी का रेड कलर्स फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेक्ट करती हूँ और मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ. याद रहे आपको कलर पिकर पे आके एक दफ़ा उस स्पेसिफिक कलर पे क्लिक ज़रूर करना होता है. अगर आप नीचे आते जाते हैं तो आपके पास थोड़ा डार्क शेड्स आते रहते हैं, दरमियान में मिड टॉन्स, और ऊपर जो आपके पास जो है उस कलर के फ्रेश कलर यहाँ पे मिलते हैं, और बिल्कुल अगर आप इधर चले जाएँ तो आपके पास टॉन्स आने लग जाते हैं. टॉन्स होते हैं ऐसे कलर जो थोड़े लाइट में हो. तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं एक फ्रेश कलर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया, और आप देख रहे हैं मेरे फोरग्राउंड कलर में रेड कलर आ चुका है. और अब मैं अगर क्लिक करूँगी तो फिलहाल तो मेरी जितनी भी ये जो है मार्किंग उनके अंदर कलर हो जाएगा. अगर मैं डिफरेंट लेयर्स पे काम करती तो ऑब्वियसली वो उसी स्पेसिफिक मार्किंग में कलर होता जो मैंने जिसमें करना चाहती हूँ. वो लेयर्स क्या होती हैं ये सब चीज़ें हम स्टेप बाई स्टेप देखेंगे. फिलहाल मैंने बस बताना था कि हम कलर किस तरह मार्किंग में कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं कंट्रोल और जेड क्लिक करूँगी ताकि मैंने अपना फंक्शन रिवर्स कर दिया. अब फिर मैं कंट्रोल आल्ट और जेड क्लिक करूँगी. ठीक है, इससे फंक्शन आपके दोबारा से उसमें भी रिवर्स होते रहते हैं. ठीक है, अब अगर मैं अपने सारा काम रिवर्स कर दूँ, और रिवर्स करने के बाद मैं आपको अब ये देखें, ये मैंने एक जस्ट एक मार्की क्रिएट की है जिसमें आप देख रहे हैं इसके एजेस बहुत शार्प हैं. अब मैं जो मार्की क्रिएट करूँगी उसके एजेस थोड़े मोल्डेड होंगे, वो इसलिए क्योंकि मैं ऊपर से फेदर का सिलेक्शन सेलेक्ट कर लूँगी. अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं फेदर में आती हूँ, ऊपर ही देखें बार में साथ ही आपके पास फेदर का ऑप्शन आ रहा है. फेदर में मैं कर देती हूँ इसका लेट्स सपोज मैं इसको कर देती हूँ 50, और अब मैं इधर ड्रॉ करती हूँ. और अब देखिएगा मेरा जो मार्की जो मैंने ड्रॉ की है वो काफ़ी मोल्डेड है. अब आप इसके कॉर्नर्स पे ज़रा गौर करें कितनी मोल्डेड मार्की आई है. वो इसीलिए क्योंकि मैंने फेदर को सिलेक्ट किया है, और फेदर को सिलेक्ट करने से आपकी जो मार्की के कॉर्नर्स होते हैं वो काफ़ी मोल्ड हो जाते हैं. ना सिर्फ मोल्ड होते हैं बल्कि कलर इफेक्ट भी काफ़ी मैटर करता है. जब आप इस पर कलर करते हैं तो वो थोड़ा कलर बाहर भी जाता है, और वो इस तरह ब्लर और थोड़ा सा आपके पास रियलिस्टिक लुक देता है. जैसे कि लेट्स सपोज मैं यही रेड कलर जो अभी मैंने उधर किया था वही रेड कलर मैं यहाँ पे इसके अंदर करती हूँ. अब देखें मैंने ये इसके अंदर किया, और आप देख रहे हैं ये कलर अगर मैं इसकी सिलेक्शन जो है वो रिमूव करूँ यहाँ से, ये देखें अब आपको ये कितना वो ब्लर इफेक्ट दे रहा है. और थोड़ा सा आप अगर देखें पीछे वाले कितने शार्प एजेस के साथ था, और बिल्कुल एक शेप स्पेसिफिक था, लेकिन यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा मर्ज और एक सॉफ्ट शेप मिल रही है आपके पास. बेशक ये है भी स्क्वायर रेक्टेंगल व्हाटएवर जिस मर्जी में कंसीडर करें, लेकिन इसमें देखें उसने उसके कॉर्नर्स मोल्ड करके इसको काफ़ी नेचुरल वे में चेंज कर दिया. ठीक है, तो इसी तरह हम अपने जो डिफरेंट वर्क होते हैं प्रोसेस होते हैं उसमें हम ये इस तरह के इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं. तो ये बेसिकली इसके साथ साथ हम ग्रेडियंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेडियंट हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे. सो ये कुछ फंक्शंस थे मार्की टूल के, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि पता होने चाहिए थे. इसके अलावा और मज़ीद है जो हम नेक्स्ट स्टेप बाई स्टेप कोई भी चीज़ अगर हम क्रिएट कर रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो उसमें वो प्रोसेस आएगा जिससे इसकी रेशियोज़ रहती हैं वो आएंगी, तो फिर हम उनको सेट करेंगे तो स्टेप बाई स्टेप हर चीज़ समझ में आएगी. ठीक है, सो ये था हमारे मार्की टूल के बारे में इंट्रोडक्शन. और अगर आप इसी चीज़ को मूव करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे साइड पे आता है मूव टूल, जिसको हम कहते हैं कीबोर्ड से अगर हम वी क्लिक करें तो वो भी हमारे पास उससे भी हो जाते हैं, हमारा सिलेक्ट हो जाता है. अब ये देखें पकड़ के अगर मैं जो हमारे पास मूव टूल अगर मैं सिलेक्ट करूं, और मूव टूल सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर कोई भी चीज़ मूव करना चाहूँ तो कर सकती हूँ. लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक मार्की ड्रा करती हूँ, ठीक है, और इस मार्की को मैं अगर मूव करना चाहती हूँ तो यहाँ से आके मुझे मूव टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा या अपने कीबोर्ड पे वी क्लिक करना पड़ेगा. और अब ये देखें मैं उस सिलेक्शन को मूव कर रही हूँ तो वो मेरी सिलेक्शन मूव हो रही है. और आप देख रहे हैं कि जब मैंने उसकी सिलेक्शन को मूव किया है तो वो थोड़ी सी इस मेरी जो पिछली शेप थी उसके ऊपर भी आ गया था, और वहाँ से वो एरिया कट आउट हो गया. तो इस मार्की टूल को हम कटिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं.